और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं KTM RC 125 की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूं। दोस्तों, हर बाइक्स में कुछ अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती है, तो आज हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। पहला डिसएडवांटेज है इसका प्राइस। तो इसका प्राइस है 1,47,000 एक्स शोरूम दिल्ली। अब यार आप ही सोचो, 125 सीसी के लिए 1.5 लाख रुपए देना फायदे की बात है क्या? चलो ठीक है, मान लिया कि आपको बाइक का लुक्स पसंद है, आपका बचपन से ड्रीम है कि मैं KTM RC लूंगा, तो ये अच्छी बात है, आप जरूर लो। लेकिन यार प्राइस सेगमेंट भी तो मैच करना चाहिए। ऑन रोड प्राइस आपको इसका पड़ेगा 1,65,000 ऑन रोड दिल्ली। यार आप खुद ही सोच लो, 125 सीसी के लिए 1,65,000, उससे अच्छा तो R15 V3 ले लो, लुक्स भी काफी स्पोर्टी है, पावर भी RC 125 से ज्यादा है। RC में तो आपको सिर्फ 125 सीसी का इंजन मिलता है, जिसमें आपको 14 BHP की पावर मिलती है और 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और R15 V3 में तो आपको 155 सीसी का इंजन मिलता है, जिसमें आपको 19.3 BHP की पावर मिलती है और 14.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और प्राइस सेगमेंट में कितना अंतर है? बस 1,000 रुपए का। R15 V3 का ऑन रोड है 1,64,000 और RC का है 1,65,000। लेकिन अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भले ही प्राइस ज्यादा है, लेकिन 125 सीसी होने के कारण माइलेज ज्यादा मिल जाएगा। तो यार ऐसा नहीं है, सेम ड्यूक 125 का इंजन लगाया गया है, तो माइलेज भी आपको सेम ड्यूक 125 से मिलता जुलता मिलेगा। अराउंड 40-45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आप RC 125 से गेन कर पाओगे, जो कि फिर भी 125 सीसी के हिसाब से कम है, क्योंकि इससे ज्यादा माइलेज तो आपको R15 V3 में ही मिल जाता है। इतना श्योरली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास भी R15 V3 है और उसने कैलकुलेट किया था तो उसको 47 KMPL का माइलेज मिला था, जो कि 155 सीसी के हिसाब से काफी सही है। लेकिन हो सकता है कि KTM कंपनी इसका प्राइस कम कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये बाइक आपके लिए फायदेमंद होगी। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि आप KTM RC 125 लेना पसंद करोगे कि नहीं। दूसरा डिसएडवांटेज है इसका ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है और रियर व्हील में RLP सेंसर मिलता है। अब सोचो यार, ब्रेकिंग सिस्टम में भी मजाक कर दिया, मतलब हम 1.5 लाख रुपए देंगे और हमको बस सिंगल चैनल ABS मिलेगा क्या? उससे अच्छा तो RS 200 ले लो, इसी प्राइस सेगमेंट में आपको कम से कम डुअल चैनल ABS तो मिल जाएगा। माना कि RLP सेंसर भी काफी अच्छा वर्क करता है, लेकिन डुअल चैनल ABS की बात ही अलग है। डुअल चैनल ABS में हमको हमारी सेफ्टी का पूरा विश्वास रहता है कि यार मैं गिर नहीं सकता, लेकिन सिंगल चैनल ABS में आपको थोड़ा कम ट्रस्ट होता है। लेकिन ठीक है, सिंगल चैनल ABS भी काफी अच्छा वर्क करता है, लेकिन 1.5 लाख के हिसाब से सिंगल चैनल ABS में कोई एक डिसएडवांटेज लगा है। तीसरा डिसएडवांटेज है कि इसका इंजन बहुत जल्दी हीट हो जाता है। चलो ठीक है, RC 200 में इंजन हीटिंग प्रॉब्लम होती थी तो उसको हम टॉलरेट कर लेते थे, क्योंकि वो एक पावरफुल सेगमेंट की बाइक थी, इसलिए जल्दी हीट हो जाती थी। लेकिन ये तो सिर्फ 125 सीसी की है, फिर भी बहुत जल्दी हीट हो जाती है, और मेनली सिटी में ये जल्दी हीट होती है क्योंकि वहां पर ट्रैफिक एरिया होता है और बाइक का एक्सेलरेशन चलता रहता है, जिसके कारण इंजन हीट होने लगता है। और एक समय तो ऐसा आता है कि आपको पैरों पर भी चटके लगने लगते हैं और काफी ज्यादा गर्म फील होने लगता है, तो फिर इंजन के फैंस ऑन हो जाते हैं और इंजन को फिर से नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आते हैं। हाईवे में तो इंजन इतनी आसानी से गर्म नहीं होता है, लेकिन सिटी में ये बहुत जल्दी हीट हो जाता है, तो हीटिंग रिलेटेड मेरे को यही एक डिसएडवांटेज लगा है। फोर्थ डिसएडवांटेज है इसकी सीट। राइडर सीट वेल कुशन नहीं है, थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन फिर भी आप आसानी से 2-3 घंटे बैठकर राइड कर सकते हो बिना किसी पेनिंग के। लेकिन जो पिलियन सीट है यार, वो काफी ज्यादा हार्ड है और स्लिपरी है। अगर आप सिटी राइडिंग के लिए बैठते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड करोगे तो 1 घंटे भी नहीं बैठ पाओगे, आपको पेन होना शुरू हो जाएगा और बार बार उतर कर रेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप सिटी में 2 लोग बैठकर राइड कर रहे हो और अचानक से राइडर ब्रेक अप्लाई कर देता है, तो जो पिलियन पैसेंजर होता है वो स्लिप होकर आगे की ओर आ जाता है और दोनों ही सीट के गैप पर बैठ जाता है, जिसके कारण राइडर अनबैलेंस भी हो सकता है और एक्सीडेंट लेवल भी बढ़ सकता है। पांचवा और आखिरी डिसएडवांटेज है बाइक की पावर। मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त के पास अपाचे RTR 160 है और आपके पास
KTM RC 125 है और आप उससे बोलते हो कि आजा भाई रेस लगा ले, तो आप ऑब्जर्व करना, आप RTR 160 से आगे नहीं निकल पाओगे। या तो आप उसकी बराबरी पर चलोगे या फिर उससे एक कदम पीछे रहोगे। और फिर आपको बुरा लगेगा कि मैं 1.5 लाख रुपए की बाइक लेकर आया फिर भी 1 लाख रुपए वाली बाइक से हार गया। क्या मतलब ऐसी बाइक लेने का जिसमें दम ही ना हो। लेकिन अगर आप जिक्सर या R15 V3 लेकर रेस करते तो आप आराम से RTR 160 को ओवरटेक करके रेस जीत जाते और आपको काफी ज्यादा खुशी होती कि हाँ यार मैं एक स्पोर्ट्स बाइक लेकर राइड कर रहा हूँ। तो यही कुछ 5 डिसएडवांटेज थे KTM RC 125 के। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं रिलेटेड टू RC 125 से तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।